हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 36 से सेक्शन 52 ए के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कुछ पार्ट्स हम बता चुके हैं जिसमें कुछ वर्ड के डिफिनीशंस थे, कुछ वर्ड की मीनिंग थी, उनके बारे में आ चुका है। अब रेस्ट पार्ट में जो डिफिनीशन और मीनिंग दी गई उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 36 कहता है, इफेक्ट कॉज्ड पार्शली बाई एक्ट एंड पार्शली बाई ओमिशन। अब इसमें ये बात करी गई कि कुछ चीजें की जा रही और उसके बाद कुछ चीजें की जा रही हैं जिनकी वजह से वह घटना कारित हो जाती है। कुछ की जा रही है और कुछ उसके बाद की जा रही है और उसके बाद उसकी घटना कारित की जा रही है। अब सपोज करते हैं कि किसी व्यक्ति को जहर दे दिया जाता है, किसी व्यक्ति को जहर दे दिया जाता है, कुछ मात्रा में उसको जहर दिया जाता है। अब जहर देने के बाद यदि उसकी मृत्यु नहीं होती है और उसे उसके बाद में उसे पीटा जाता है और पीटे जाने पर उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो पार्शली एक पार्ट हो गया और पार्शली दोनों दूसरा पार्ट हो गया, तब उस व्यक्ति द्वारा हत्या की गई ये कहा जाएगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि किस कारण से की गई, लेकिन उस व्यक्ति ने इंटेंशनली हत्या की। सेक्शन 36 ये कहता है कि पार्शली एक काम और पार्शली दूसरा काम, कुछ एक कार्य और कुछ दूसरा कार्य किया जा रहा, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसने जहर दिया था और उसके द्वारा हत्या नहीं की गई। नहीं, वह दोनों कार्य किए गए लेकिन हत्या उसकी हुई। अब बात आती है सेक्शन 37 की, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अब इसमें बात की जा रही कि कोऑपरेशन मतलब सहयोग के द्वारा, किसी सहयोग के द्वारा वो और कई कार्यों से उसकी घटना हो रही, वह घटना घटित हो रही। सपोज करते हैं कि दो या तीन व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं जो किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने के लिए योजना बनाते हैं और वह व्यक्ति उस घर में, या वह व्यक्ति दोनों नर्स हैं और किसी व्यक्ति की हत्या करना चाहते हैं, तो वह एक व्यक्ति सुबह उसमें उसके साथ रहती है और दूसरा शाम को रहती है। एक व्यक्ति उसको कोई इंजेक्शन देता है शॉर्ट फॉर्म में, कुछ मात्रा में, जो उसको जहरीला है, और दूसरा इंजेक्शन देती है जो भी जहरीला है ताकि उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और दोनों अदल बदल करके डे पर डे कुछ कुछ मात्रा में उसको चढ़ाते जाते हैं जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए। तो उसकी मृत्यु हो गई तो इसमें दोनों ही मृत्यु के दोषी हो गए, क्योंकि दोनों ने, ये नहीं कि किसकी वजह से हुआ, तो दोनों ही उसमें मृत्यु के दोषी पाए जाएंगे। इनमें कहा कि दोनों अपराध, बल्कि दोनों ने अलग अलग किया, अलग अलग जहर लगाया गया, अलग अलग चीजें की गई, अलग अलग उसको किया गया, लेकिन दोषी दोनों हैं, ये पार्ट 37 में कहा गया। अब सेक्शन 38 कहता है, पर्संस कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अलग अलग कार्य के लिए दोष अलग अलग होंगे, अलग अलग अपराधों के लिए दोष अलग अलग होंगे। अब इसमें बात कही जाती है कि इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया, इलस्ट्रेशन में कहा कि यदि एक व्यक्ति जो बहुत क्रोध में है, वह अपना सेंस खो चुका है, वह अपना सेंस खो चुका है किसी व्यक्ति के लिए, वह बहुत क्रोध में है और वह उसको मारने के लिए चल देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उससे रंजिश रखता है या जो उसको मार देना चाहता है,
वह व्यक्ति उसके क्रोध का फायदा उठाता है और वह व्यक्ति वह हथियार लाकर उस क्रोध वाले को दे देता है कि इससे इसको मारो, और वह व्यक्ति उस हथियार से उसको मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इंटेंशन किसका हुआ, मारना किसको कहा गया, कि जिस व्यक्ति ने इंटेंशनली वह हथियार उसको दिया कि इससे इसको मारो। तो अब पहला व्यक्ति जो अपने सेंस में नहीं कि क्या करने जा रहा है, तो उसने तो अपराधिक, उसने तो मानव वध किया, उसने मानव वध किया, लेकिन मृत्यु कारित करना किसकी वजह से हुई, जिसने इंटेंशनली उसको हथियार दिया। तो दंड का भागी, मृत्यु दंड का भागी कौन हुआ, जिसने हथियार उसको दिया इंटेंशनली उसको मार देने के लिए, और जिसने अपना आपक हो करके और क्रोध में आकर के उस पर अटैक कर दिया, वह मानव वध का दोषी हो गया। तो अब ये बात इसमें 38 में कहा कि उसको क्रिमिनल एक्ट करने के लिए कोई कौन अलग अलग दोषी हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग एक्ट हो गए, अलग अलग कार्य हो गए, एक क्रोध में जाकर एक करता है, एक इंटेंशनली करता, कार्य दोनों अलग अलग हो गए और घटना एक कराई गई। अब सेक्शन 39 कहता है वॉलंटरली, इसमें कहा स्वेच्छा, स्वेच्छा से क्या होगा कि स्वेच्छा से के लिए कहा गया कि जो व्यक्ति स्वेच्छा क्या कहलाएगा, कि जैसे एक व्यक्ति कहीं पर डकैती डालने के लिए जाता है, कुछ व्यक्ति कहीं पर डकैती डालने के लिए जाते हैं, और डकैती डालने के उसमें वह व्यक्ति उस गांव के उस घर में जहां पर डकैती डालना है वह व्यक्ति आग लगा देते हैं उस घर में, वे व्यक्ति जो होते हैं जो डकैती डालने के लिए गए हैं वो व्यक्ति उस घर में आग लगा देते हैं। आग लगा देने के कारण वहां पर रह रहे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि वो इसलिए आग लगाते हैं कि यदि कोई हो तो वो आग ले करके भाग जाएगा और वो आराम से वहां पर उसको डकैती में जो सामान कलेक्ट करना वो कर सकेंगे। अब वो व्यक्ति भाग न करके उसकी मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, जबकि जो व्यक्ति आग लगाए उन व्यक्तियों का इंटेंशन ये नहीं था कि वो व्यक्ति जो अंदर रह रहा है वो मर जाए, वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति मर गया, और मरने पर उन व्यक्तियों को जिन्होंने आग लगाया था वो उनको दुख होता है कि इस व्यक्ति को हम मारना नहीं चाहते थे, या ये व्यक्ति इसमें था इसको पता नहीं था, वो व्यक्ति की धोखे से मृत्यु हो गई, तो वह घटना स्वेच्छया कहलाएगी। वो घटना क्या कहलाएगी, स्वेच्छया मृत्युकारित कहलाएगी, स्वेच्छया मृत्युकारित करना कहलाएगी। अब सेक्शन 40 में कहा ऑफेंस की परिभाषा दी, ऑफेंस क्या है, अपराध क्या है। तो इस एक्ट में जो अपराध की बात करी गई वो दंडनीय किसी बात का घोतक है, कोई ऐसा अपराध का मतलब है कि उसने दंडनीय कार्य किया है, उसका इंडिकेशन जो है वो अपराध या ऑफेंस कहलाता है। अब इसमें सेक्शन 41 कहा स्पेशल लॉ, विशेष विधि क्या है, जो किसी विशिष्ट विषय पर स्पेशल सब्जेक्ट पर कोई चीज बनाई जाती है, कोई चीज एक्ट की जाती है, तो वो स्पेशल लॉ कहलाता है। स्पेशल लॉ, सपोज करो कि दहेज पर एक एक्ट बना दिया गया तो वो स्पेशल एक्ट हो गया, स्पेशल लॉ हो गया उस दहेज के लिए। सेक्शन 42 कहा लोकल लॉ क्या होता, भारत के किसी विशेष क्षेत्र में जो उस क्षेत्र के लिए लॉ बनता है वह उसका लोकल लॉ कहलाता है, वह उसका लोकल लॉ कहलाता है। अब सेक्शन 43 में कहा इलीगल, अवैध क्या है, जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिबद्धित हो, जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो,
प्रोहिबिटेड हो, मना हो विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा, और वह कार्य किया जाए तो उसे इल्लीगल कहा जाता है, उसे इल्लीगल कहा जाता है। अब सेक्शन 44 में कहा, इंजरी की परिभाषा दी, इंजरी 44 में इंजरी क्षति क्या होती है, क्षति इंजरी क्या है कि मन शरीर में, मन में ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से जो कारित किया जाएगा वह क्या कहलाएगी, इंजरी कहलाएगी, वह इंजरी कहलाएगी। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वेदर इल्लीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, शरीर पर, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो उसे क्या कहलाएगा, इंजरी कहलाई जाएगी। सेक्शन 45 लाइफ, जीवन के बारे में कहा गया, तो जो मनुष्य का जीवन है वह उसको इंडिकेट करता, मनुष्य के जीवन को जो इंडिकेशन करता है वह उसका जीवन कहलाता है। सेक्शन 46 कहा डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, तो जो मानव की डेथ है, जो मानव की मृत्यु है उसका घोतक है सेक्शन 46 डेथ, मृत्यु। सेक्शन 47 कहा एनिमल किसको कहा गया यहां पर कि जीव जंतु, एनिमल मींस जीव जंतु, जो मानव से भिन्न, कोई भी जीवधारी मानव से भिन्न, मानव को छोड़ दीजिए, मानव से भिन्न कोई भी जीवधारी वो क्या कहलाएगा, जीव जंतु कहलाएगा, वह जीव जंतु या एनिमल कहलाएगा। सेक्शन 48 वेजल, सेक्शन 48 वेजल, वेजल मीन जलयान। अब जलयान क्या कहलाएगा, जो मानव को, मानव के या उसकी संपत्ति को जल द्वारा, जल में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन है वह क्या कहलाएगा, जलयान कहलाएगा, वह जलयान या वजल कहलाएगा। सेक्शन 49 ईयर या मंथ के बारे में बताया गया, वर्ष या मास की गणना जो ब्रिटिश कैलेंडर से की जाती है, जो ब्रिटिश कैलेंडर से की जाती है, मास की गणना जो ब्रिटिश कैलेंडर से की जाती है उसे मंथ कहा जाता, ईयर की गणना जो ब्रिटिश कैलेंडर से किया जाता है वो ईयर कहलाता है। सेक्शन 50 आया सेक्शन, सेक्शन क्या है, द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ ए चैप्टर ऑफ दिस कोड व्हिच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स न्यूमेरल फिगर, जो इस एक्ट में बात लिखी गई उस संपूर्ण बात के पहले जो अंक लिखा गया है उस अंक को हम सेक्शन कहते हैं, उस अंक को सेक्शन कहा जाता है। सेक्शन 41 कहा, सेक्शन 51 कहा ओथ, ओथ क्या है, ओथ किसको कहते हैं, ओथ क्या वर्ड डिनोट करता है, द वर्ड ओथ इंडिकेट्स ए सॉलेमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड आर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। इसमें कहा गया कि जो किसी कोर्ट के द्वारा किसी सबूत में या जो लोक सेवक है उसके समक्ष जो हम शपथ लेते हैं वह शपथ ओथ कहलाती है, जो लोक सेवक के समक्ष, न्यायालय में साक्ष्य के देने के समक्ष या न्यायाधीश के समक्ष बात कहने के लिए जो हम शपथ लेते हैं वह उसका ओथ कहलाता है। सेक्शन 52 कहा गुड फेथ, गुड फेथ सद्भाव पूर्वक क्या कहलाएगा कि जो विश्वास में की गई बात, जो विश्वास की गई कहीं पर बात जो सम्यक पूर्वक
बात की जा रही और वह बिलीव करने योग्य है वह सद्भाव पूर्वक या गुड फेथ में बात कही गई। नथिंग इज सेड टू बी डन आर बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन आर बिलीव्ड विदाउट डू केयर एंड अटेंशन। जो गुड फेथ में जिसको सत्य समझा जाए और अच्छे उसमें बात की जाए वह उसका गुड फेथ कहलाता। सेक्शन 52A ऑन हॉर्बर की बात करेगी, संशय की बात करेगी, किसी व्यक्ति का संशय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन इसमें जो 157 और सेक्शन 130 में जो पति या पत्नी की बात कही गई उसे छोड़ करके बाकी सब जगह पर संशय का अर्थ होगा किसी व्यक्ति का आश्रय मतलब निवास, रहने की जगह, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवन के साधन देना, के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार से इस धारा में इस सेक्शन में परिगणित की है, व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना भी साश्रय कहलाता है। तो साश्रय क्या हुआ कि इन चीजों को प्रोवाइड करना रहने का प्रोवाइड करना साश्रय हो गया, पेय देना साश्रय हो गया, धन देना साश्रय हो गया, आयुध गोला बारूद या वस्त्र देना साश्रय हो गया। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? संश्रय कहलाती हैं, हार्बर कहलाती हैं। तो अभी इसमें से इन कुछ वर्ड थे जो इंपॉर्टेंट थे जो इन एक्ट में आएंगे आगे, उन बातों को इसमें डिक्लेयर करना था कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती। सेक्शन 36 से सेक्शन 52 तक 2A तक क्लियर हो गए होंगे। अभी चैप्टर 3 जो हम पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे सेक्शन 53 से, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।